एंड अनवांटेड हार्मफुल एंड अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट्स, मेटाबॉलिक वेस्ट्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. These metabolic wastes, these metabolic wastes, if accumulates, these metabolic wastes, if accumulates, are toxic to the body, or toxic to the body. तो बेटा हम कहते हैं इजेक्शन और एक्सक्रीशन में यही फर्क है. वहां हम बात करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, यहां हम बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है बेटा, हम कहते हैं द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. दीज मेटाबॉलिक वेस्ट इफ एक्यूमुलेट्स आर टॉक्सिक टू द बॉडी. जैसे जब यूरिक एसिड या यूरिया एक्यूमुलेट होता है, डिजीज क्रिएट होती है. ठीक है बेटा, डिजीज क्या होती है? क्रिएट होती है. जैसे हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है, ठीक है बेटा, या तो स्मरण कृषि पर गाउट हो, ठीक है, तो वो गाउट हो जाता है. उसके बाद द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्वड इन एक्सक्रीशन आर कॉल्ड एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स. द ऑर्गन्स विच आर involved in excretion are called excretory organs. उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? Excretory organs. And they are different for different animals. And they are different. For different animals. ये different होते हैं different animals के लिए. They are different for different animals. हर किसी animal के लिए ये अलग अलग होते हैं. They are different for different animals. जैसे जो बेटा क्या होते हैं unicellular organisms. क्या होते हैं बेटा? Unicellular organisms. यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बेटा सिंगल सेल से बने होते हैं. जैसे लाइक एमोबीबा, इसी तरह बेटा हम कहते हैं पैरामिशियम. या बाकी यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ये बेटा जनरल बॉडी सरफेस इस्तेमाल करते हैं. क्या बेटा? जनरल बॉडी सरफेस फॉर एक्सक्रीशन. तो बेटा यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है? जनरल बॉडी सरफेस को ये इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद बेटा हम कहते हैं अब और बेटा इन ऑर्गेनिजम्स में एक्सक्रीशन कैसे होती है? बाय सिंपल डिफ्यूजन मेथड. तो अगर आप बेटा एक चीज याद रखेंगे, आपको हर एक चीज में ये लिखनी है. हम कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट भी, सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन भी, सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन भी, सिंपल डिफ्यूजन से एक्सक्रीशन भी. हमने अभी तक कंटिन्यूअसली ये मेथड पढ़ा. प्लांट्स में या यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में कंटिन्यूअसली यही सिंपल डिफ्यूजन इस्तेमाल होता है. ठीक है बेटा, उसके बाद आप जो मल्टी सेल्यूलर है, ये थे बेटा यूनिसेल्यूलर. अब क्या है? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर कौन से एक्सक्रेटरी ऑर्गेनिज होते हैं? मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स पहले हम देखेंगे बेटा एक्विटिक में. किन में बेटा? एक्विटिक ऑर्गेनिज्म या एक्विटिक एनिमल्स में.
एक्विटिक एनिमल्स में, जैसे बोनी फिशेज या फिशेज। इसी तरह बेटा हम कहेंगे एक्विटिक इंसेक्ट्स, एक्विटिक इंसेक्ट्स। इसी तरह बेटा हम कहेंगे एक्विटिक एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, एक्विटिक एम्फीबियंस। इनका जो बेटा एक्सक्रेटरी मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा, आल्सो एक्सक्रीट अमोनिया। क्या बेटा? अमोनिया बाय बाय डिफ्यूजन। किससे बेटा? डिफ्यूजन से, बाय डिफ्यूजन। अक्रॉस कहां से? बॉडी सरफेस और गिल्स। अक्रॉस बॉडी सरफेस और गिल्स, अक्रॉस बॉडी सरफेस और गिल्स। एज अमोनियम, एज अमोनियम आयोन्स, एज अमोनियम आयोन्स। एंड बेटा दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, दीज ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड अमोनिया, अमोनियो टैलिक, अमोनियो टैलिक या अमोनिया, अमोनियो टैलिज्म। ठीक है बेटा, हम कहते हैं उसके बाद याद रखना बेटा ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड क्या है बेटा? ग्रीन ग्लैंड और ये नीचे लिखो, इसके नीचे एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड। ठीक है बेटा, ये बेटा एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है किन में बेटा? प्राउनस में, पी आर ए डब्ल्यू एन एस। ठीक है बेटा, इनके अंदर ये क्या होता है? एक्सक्रेटरी ग्लैंड, एक्सक्रेटरी ग्लैंड। इट इज अ क्लास ऑफ इंसेक्ट्स, ये भी एक इंसेक्ट्स का क्लास है। ठीक है बेटा, इनके अंदर क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड। ये भी ऑब्जेक्टिव में आया था, इसीलिए बेटा मैंने आपको ये पढ़ाया, रिपीट भी हो सकता है। इनके अंदर कौन सा एक्चुअली आपको कंसेप्ट देना है? ग्रीन ग्लैंड का। ग्रीन ग्लैंड एक्सक्रेटरी ग्लैंड होता है किन में बेटा? क्लास ऑफ इंसेक्ट जिनको हम क्या बोलते हैं? प्राउनस। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरी चीज मालफिजेंट ट्यूब्यूल्स, कॉकरोच में, किस में बेटा? कॉकरोचेस, ये भी बेटा इंसेक्ट्स में ही होता है। मालफिजेंट ट्यूब्यूल्स, ये भी बेटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और बेटा ये किन में प्रेजेंट होता है? इंसेक्ट्स एंड कॉकरोचेस, इंसेक्ट्स एंड कॉकरोचेस। ठीक है, उसके बाद जो हमारी अर्थ वॉर्म होती है उसमें क्या होता है? नेफ, नेफरिडिया, नेफरिडिया अर्थ वॉर्म, एक्सक्रेटरी ऑर्गन, अर्थ वॉर्म, नेफरिडिया। एंड फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स। ठीक है बेटा, ये किस में प्रेजेंट होती है? फ्लेट वॉर्म्स, जो बेटा फ्लेट वॉर्म्स होती है, फ्लेट वॉर्म्स, लीच वगैरह, उनके अंदर क्या होती है बेटा? फ्लेम सेल्स। तो दीज आर द डिफरेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स फॉर डिफरेंट एनिमल्स। हर किसी एनिमल के अंदर अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है। ठीक है बेटा, तो वही हमने देखा किसके अंदर कौन सा एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के अंदर नेफ्रिडिया, मॉल्फिजन ट्यूब्यूल्स, इंसेक्ट्स एंड कॉकरोचेस, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनल ग्लैंड, प्रेवनस, फ्लेम सेल्स, फ्लेट वॉर्म्स। ठीक है, दीज आर द एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे अब प्लांट्स की एक्सक्रीशन की, क्योंकि उसके बाद फिर हमें एनिमल्स की एक्सक्रीशन डीपली पढ़नी है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड हाउ किडनी परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ एक्सक्रीशन, उसके बाद बेटा डायलिसिस। तो पहले अब हम देखेंगे प्लांट्स की एक्सक्रीशन क्या है।
प्लांट्स में एक्सक्रीशन के लिए क्या क्या है आपको बेटा मालूम है, सिटोमेटा एंड लेंटिसिल्स, ठीक है बेटा, सिटोमेटा एंड लेंटिसिल्स। उसके बावजूद भी प्लांट्स कुछ और एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमें बताते हैं, उसके बावजूद भी, ठीक है बेटा। हम कहते हैं प्लांट्स डू नॉट हैव, प्लांट्स डू नॉट हैव, प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशल ऑर्गन्स, स्पेशल ऑर्गन्स लाइक एनिमल्स, स्पेशल ऑर्गन्स लाइक एनिमल्स फॉर एक्सक्रीशन, फॉर एक्सक्रीशन। प्लांट्स में स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं एनिमल्स की तरह, किसके लिए बेटा, एक्सक्रीशन के लिए। और बेटा हम कहते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स क्या क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स प्लांट्स के अंदर क्या क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट्स लाइक गम्स, गम्स रेजिनस, ठीक है बेटा, गम्स रेजिनस, इनके अंदर बेटा होते हैं गम्स एंड रेजिनस, या ओल्डर बार्क, ओल्डर बर्क, जब बेटा बर्क खत्म हो जाती है, या हम कहते हैं डेड, डेड टिश्यूज, डेड टिश्यूज ना वना कुलचो हुकमुत, ठीक है बेटा, हम कहते हैं ना अक्सर ओल्डर लीव्स, ओल्डर लीव्स। इसी तरह बेटा फ्लावर्स, ओल्डर फ्लावर्स, जब फ्लावर मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है, तो हम कहते हैं बेटा ये प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट्स होते हैं, जैसे गम्स रेजिनस ओल्डर बर्क डेड टिश्यूज ओल्डर लीव्स या फ्लावर, ठीक है बेटा, ओल्डर फ्लावर। अब देखिए बेटा हम कहते हैं पहला मेटाबॉलिक वेस्ट्स प्लांट्स का ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट्स को किसकी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको ऑक्सीजन की जरूरत। हम कहते हैं बेटा अब ऑक्सीजन प्लांट में से बाहर कैसे आता है, उसके लिए आपने प्रोसेस पढ़ी है फोटोसिंथेसिस, उसके लिए आपने बेटा प्रोसेस पढ़ी है फोटोसिंथेसिस। हम कहते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन इज रिलीज, मगर फोटोसिंथेसिस में कहां, लाइट रिएक्शन कहां बेटा, क्योंकि डार्क रिएक्शन में हम देखते हैं वो बायोसिंथेटिक फेज है, लाइट रिएक्शन में एक तो वाटर की क्या होती है ब्रेकडाउन, दूसरा बेटा ऑक्सीजन इज रिलीज, ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन रिलीज होता है और बेटा कहां चला जाता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं ऑक्सीजन अब कैसे निकलता है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन। लेटर ऑन इट इज यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन, लेटर ऑन इट इज यूज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एटमॉस्फेयर से इसको कौन इस्तेमाल करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, या और लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर, लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर थ्रू सिटोमेटा, लॉस्ट इन एटमॉस्फेयर थ्रू सिटोमेटा, थ्रू सिटोमेटा। उसके बाद बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, और ये सब, चलिए बेटा ये कल पढ़ेंगे।